पहले साल लाए हैं ऐसे संत के चरणों में रखता हूँ जिन्होंने सनातों को जगा दिया और जैन समाज प्रयोग कर दिया। पूरे जैन समाज का अगर डाटा किसी के पास मिलता है तो सना को पहला कहते हैं जैन सागर महाराज। चार समस्या का तीर्थ क्षेत्र का नाम आचार्य भगवान विद्याचार्य और उनके अनुयायी आचार्य जैन सागर महाराज। हम उनके चरणों में आचार्य भगवान उनके चरणों में एक बार नमस्त करते हैं जरा हाथ जोड़े न ही ब्रह्मांडीय होता न होते सूर्य चंदा न ही ब्रह्मांडीय होता न भौतिक तंत्रीय होते न ज्योतिष मंत्रीय होता न भौतिक तंत्रीय होते न ज्योतिष मंत्रीय होता समुद्री जाता समाधान कर गया होता समुद्र सूख नहीं जाता समाधान कर गया होता न होता धर्म धरती पर न होता धर्म धरती पर जगदम्बर शांति न होता न होता धर्म धरती पर जगदम्बर शांति न होता। इसी भावों के साथ हम समावारी के लिए दो लाइनों के साथ अपना भाई को विराम देता हूँ। उर्मे समाता वासि करो जीवन में व्यवहार जिसने समागर के पास एक ऐसी माँ जिम्मेवारी सागर के पास पर आगे बढ़ करके यहाँ पर सभी का
लेकिन प्रमोद जी जो है मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, हमारे नेता है वो भी चिंता मत कर बता रहे, यहाँ पर सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे जैन युवा क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। हम इस प्रोग्राम को क्योंकि सभी सामान्य अतिथिगण यहाँ पर आते हैं, हम बहुत देर तक यहाँ पर इसको स्वागत श्रृंखला को नहीं चलाते, मात्र सभी को अंदर के बैठे तो और अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा हम श्री जितेंद्र सिंह संती जी को हम जरूर चाहेंगे कि वो हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। इसका पूर्व मैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आए और जैन युवा क्लब के जो पूरी तरह पहले दिन से जुड़े हुए हैं वे आए और अपने यहाँ पर विचार रखें। मात्र दक्षिण समय हम सभी से विचार करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर श्री जितेंद्र सिंह संती जी को हम सुनेंगे और मात्र दो दो मिनट में हम सुनते हैं। इसके बाद हमारे म्यूजिशियन तैयार हो, ये सब यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। मैं सागर अमर सिंह श्री महेंद्र कुमार जी जय जैन युवा क्लब के सभी पदाधिकारी श्री सतीश माता जी, भाई गौरव जैन जी संयोजक, रवि जैन जी, राहुल जैन जी, दीपक जी, राकेश जी, सभी पदाधिकारी, मात्र सबके प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है। मैं सबसे पहले भाई विजेंद्र जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो भी इस क्लब से जैन युवा क्लब से पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। पहले दिन से ही जब से जैन युवा क्लब बना था और जब ये अद्भुत अनोखा पूरी दिल्ली में अपनी तरह का एक जैन युवा क्लब के द्वारा ये मेला जैन मेला लगा था, तब से भाई विजेंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं। बंधुओं, इस जैन युवा क्लब की सोच बहुत अच्छी है। महेंद्र जी जैन आप सभी के रूबरू थे और हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व भाई श्री पवन जिंदल जी जो RWA रघुपुरा के अध्यक्ष भी है, सुप्रसिद्ध समाज के भी है और ऐसे व्यक्ति है जो सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। मैं ऐसे भाई पवन जिंदल जी को भी अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मंच पर पधारे और सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जितेंद्र सिंह जी सकती। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर सदन का एक भी हाथ रुक गया बिना काने के तो मैं सोचूंगा कि उनकी देशभक्ति में अभी भी कुछ कमी रहेगी। मेरा छोटा भाई राहुल, नरेंद्र जी, महेंद्र जी, इस क्लब के सभी पदाधिकारी जो बधाई के पात्र हैं कि पिछले 35 सालों से लगातार इन्होंने इस मेले का आयोजन करके एक कृषि नाम स्थापित किया और पूरी कम्युनिटी को जोड़ के रखा। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैन युवा क्लब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बीच में जो भारत समय आया कोविड का, जब दो साल मेला नहीं हुआ तो उन्होंने मेले पर भी अच्छा काम किया। उन लोगों को जो जरूरतमंद थे उनको राशन पहुंचाया, उनको दवाइयां पहुंचाई, उनकी हर तरीके से मदद करी। तो सबके सेवक के रूप में इसलिए मैं इनको इस बात की भी बधाई देता हूँ। हमारे क्षेत्र में आपके समाज के, मेरे समाज के, मेरा समाज कहूंगा आपका नहीं, घर घर के अंदर क्षेत्र के अंदर हमारा जैन समाज है और दया के रूप में, सहयोगी के रूप में अगर सबसे आगे को आता है तो वह जैन समाज आता है। मैं बधाई देता हूँ ईश्वर आप सबको जोड़ के रखे और एक ही संदेश क्या है कि मजाक नहीं सिखाता आपस में रह रखना। हिंदू हुआ वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय चिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद शांति भैया, धन्यवाद माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी संती। हमारे संपूर्ण जैन समाज की और हमारे भाई मनोज जी भी उपस्थित है, नरेंद्र जी भी उपस्थित है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आज यहाँ पर म्यूजिशियन राजकुमार जी दूर चाहे हुए तो हम उनके प्रोग्राम को भी देखना चाहते हैं। ऐसे की पेटीएम मैं उनसे भी अनुरोध कराऊ, उनका भी स्वागत और अभिनंदन दूसरे पद से हम लोग करेंगे।
और अब जिस धन की आपको प्रतीक्षा है वो धन श्री राजकुमार जी के द्वारा जैन युवा क्लब के प्रधान संयोजक भाई गौरव जी, पूरी टीम और दूसरे गौरव जी वो भी हमारी कमेटी के मेंबर है, यह मैं देख रहा हूँ उसके उत्साह से पूरा जैन समाज। और सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिल रही है कि हमारा जो दूसरे भाई बंधु है समाज के अन्य बंधु वो भी जैन मेले के अंदर इतनी खुशी और तरोस से आए हैं, इतने उल्लास से आए हैं। और क्षमा वाली पर्व जो लगातार चार दिन का ये जैन युवा क्लब मनाता है, आज मैं देख रहा हूँ अपार भीड़ और अपार उल्लास यहाँ पर आज दिखाई पड़ रहा है। मैं उसके लिए उनकी पूरी टीम को आज इतना सुंदर कार्यक्रम भाई विजेंद्र जी अच्छा संचालन कर रहे हैं और उन्होंने आपको बधाई दिया कि संत के नारक महा उत्सव जो प्रसिद्ध महोत्सव होता है जो देवी जैन मंदिर की भोराज नगर में जो बहुत प्राचीन समय पहले बना हुआ था उसको दोबारा से उसका जीर्णोद्धार किया और उसका 17 नवम्बर से 23 नवम्बर तक इसी सीमित ग्राउंड में जहाँ बैठे इससे बाहर निकल करके आप देखेंगे कोहली कैंट हाउस में वहां पर वो मनाया जाएगा। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ समाज की तरफ से कि आप सभी लोग उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और प्रतिक्रिया प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाए। मेरे पारसनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टिकट देखिए बताइए तो मेरी टिकट है, आपने देखा ही नहीं। मैं कभी भी किसी भी कंट्री में जाता हूँ, किसी भी शहर में पैन इंडिया में जाता हूँ तो अपनी टिकट लेट नाइट कराता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम लोगों से मिल सकूँ, अपने स्पॉन्सर से मिल सकूँ, अपने मेहमानों से मिल सकूँ, अपने दोस्तों से मिल सकूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस बार की जो बंद जैसी जो टिकट थी वो सुबह 10:15 की फ्लाइट थी और यहाँ पर 2:15 बजे उतरना था। तो ये देखिए मैं सोच रहा था 2 अक्टूबर को तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं वहां से पहुंचा। आज हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जी के टिकट भी हमारे बीच में जुड़े, मैं निगम घाट पहुंचा वहां से
कर देना, किसी चीज को पार कर देना, किसी चीज का रंग बदल देना, अपने आप को मन से पार कर देना और किसी चीज को पांच पोजिशन कर देना, इधर का सामान उधर कर देना, पांच पोजिशन और किसी कई सारी चीजें पैदा कर देना, खासकर शोक का पैदा करके। लेकिन हमारे इस घर में ज्ञान पर में ऐसा कुछ किसी ने नहीं दिखाया। जी हाँ, चमत्कार है तो आपके माता पिता के पास है, चमत्कार है तो हमारे ऋषि मुनियों के पास है, जो एकदम सादे रहते हैं, रुच जीवन विचार रखते हैं, चमत्कार है तो प्रभु श्री के पास है। तो मैंने अभी तीन से कहा कि मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, तो आगे बढ़े तो सबने मना कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भेद था। तो मेरे टीम का एक सदस्य एक बार जोरदार तालियां हो जाए, राकेश ने कहा मैं आगे आऊंगा, राकेश प्लीज वेलकम। तो देखिए मैं चंद समय के लिए इस छोटे भागों में भागने के लिए जा रहा हूँ, दो भागों में काटने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स एंजॉय द आर्ट ऑफ मैजिक, लेट्स एंजॉय द मॉडर्न वर्जन ऑफ मैजिक।
Thank you.
Yeah.